अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको दाल चावल खिलाने के लिए रहमानाबाद के करीब एक फूड वैन में लेके आए हैं जो दाल चावल के नाम से मशहूर है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि फूड वैन के मालिक ने अपना दाल का लोगो रजिस्टर कराया हुआ है जो इनकी खासियत है। दोपहर 12 बजे से रात गए तक फूड वैन से दाल चावल और कबाब लोगों को खिलाए जाते हैं। इनकी एक और ख़ास बात यह है कि ज़रूरतमंद और गरीब लोग भी यहाँ से मुस्तफ़िद होते हैं और बाज़ का मुफ्त या मामूली से पैसों के अवैस ये लोगों को खाना भी खिला देते हैं। इसके अलावा इनके यहाँ पार्सल का इंतज़ाम भी मौजूद है। प्लेट के रेट और पार्सल के रेट भी अलग अलग लिखे हुए हैं। अब हम इनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इनको ये आइडिया कहाँ से आया और कैसे आया। और ये हमारे जो दाल चावल का दाल का लोगो है ना, दाल है, दाल है ये वाला। अच्छा, तो ये सुबह से शाम तक जी मैं 12 ऑनवर्ड शाम तक। तो क्या क्या चीजें आप इसके साथ दे रहे हैं दाल के साथ? दाल चावल, रायता, सैलेड, अचार प्लस शामी। प्लस शामी, तो इनकी प्राइस अलग अलग है? शामी अलग से है, शामी कोई एक प्लेट में डलवाता है, कोई दो डलवाता है, 20 रुपए का है शामी। जब 20 रुपए की शामी है तो कोई चैरिटी तो नहीं है इसमें? चैरिटी भी कोई मतलब कि मैं तो अल्लाह का शुक्र है कोई एक भी बंदा अल्लाह मुझे तौफीक ना देगा खाली पे। अरे यही मैं पूछ जाऊंगा कि अगर फंस के कोई जरूरतमंद आ जाते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, असल चीज तो ये ना चैरिटी होनी चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ये दिन भर में कितना आपका मतलब कम टाइम डिपेंड्स, सम टाइम 20 प्लस हो जाता है सम टाइम। तो ये आइडिया कहाँ से आया आपको? ये हालात के रगड़े खा खा के आया जनाब। वो आपकी बात सही है। तो ये सारा सारा ये घर में ही तैयार होता है? हाँ जी, होममेड होममेड है। मैं और मेरी मिसेज दोनों मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो ये रात से लेकर सुबह 12 दोपहर 12 से रात के तक जब खत्म हो जाए, मगरिब के बाद जब खत्म हो जाए। ठीक, चलें, बहुत शुक्रिया आपका।